नमस्कार दोस्तों, पीएनए पटेल नर्सिंग एकेडमी के इस ई लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं राकेश कुमार पटेल आज आपसे एक नया टॉपिक जो कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड सिलेंडर्स, इनका यूज और उनको किस तरह से यूज करते हैं और इनके साथ लगने वाले सभी ट्यूबिंग्स के बारे में हम बात करने वाले हैं आपसे। तो शुरू करते हैं पटेल नर्सिंग अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आज का टॉपिक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एंड सिलेंडर्स। सबसे पहले आपने ये इमेज तो देखे होंगे, ऐसे बहुत सारे इमेज आपके सामने आए होंगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के, इनको किस तरह से यूज करते हैं, जिनके अंदर ये जैसे कि इक्विपमेंट लगे हुए हैं और ह्यूमिडिफायर है, सिलेंडर, इनका यूज और इनका हम आगे डिटेल में बात करेंगे। इसके साथ ही दूसरा होता है सिलेंडर, जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उनका किस तरह से यूज करना है और उनके साथ में कौन सी ट्यूब जो यूज करेंगे वो ट्यूब किस तरह से यूज आएगी। तो शुरू कर साथ ही ये बहुत सारे जो ट्यूबिंग दिखाई दे रही है इसमें से बहुत ही कम और रेयर यूज होने वाली ट्यूब तथा एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ट्यूब है वो है यह जो आपको दिखाई दे रही है। इस ट्यूब में यह जो ट्यूब दिखाई दे रही है किसी न किसी एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसका समतुल्य इम्पोर्टेंट ट्यूब होती है जो यह क्या है इसके बारे में हम आगे टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। इसके बाद ये तो डिफरेंट कलर कोड के साथ में जो वेंचुरी मास्क में यूज होने वाले हैं वो तो आपको पता होगा, नहीं तो इनके बारे में भी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। जी हाँ, ये है हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो होता है वो एनवायरनमेंट से एयर रिसीव करके उसमें से ऑक्सीजन कंप्रेस करके नाइट्रोजन गैस, इसके अंदर कंप्रेशर लगे होते हैं जो कंप्रेशर नाइट्रोजन गैस तथा ऑक्सीजन गैस को सेपरेट करते हैं एनवायरनमेंट में। मोस्टली 78% नाइट्रोजन होती है और ओनली 21% ऑक्सीजन होती है। तो उसके इसके अंदर कंप्रेशर होते हैं, वह कंप्रेशर दो कंप्रेशर नॉर्मल यूज किए जाते हैं और दोनों कंप्रेशर का काम यह होता है कि नाइट्रोजन को अलग करना और ऑक्सीजन को अलग करना। अब इसको यूज करने से पहले सबसे पहले तो इसको इलेक्ट्रिक डिवाइस से कनेक्ट करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है यह, इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके इसको स्विच ऑन करेंगे। देन आफ्टर इसको पेशेंट के साथ में कनेक्ट करेंगे, मोस्टली पेशेंट के साथ में नेजल कैनुला, इसीलिए दिया गया है कि नेजल कैनुला का फ्लो मीटर और इसका फ्लो मीटर अप्रोक्सीमेटली यूज किया जाता है। जैसे आगे बात करता हूँ मैं, ऑक्सीजन ह्यूमिडिफायर, ह्यूमिडिफायर है वह हमारी जो ऑक्सीजन होती है वो ड्राई ऑक्सीजन होती है, जो एयर होती है वो ड्राई होती है, जिससे हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें इरिटेशन होता है और इरिटेशन को बचाने के लिए हम ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। देन इसको कितना भरना होता है, जैसे कि पूरी बोतल है इसमें से 1/3, इसके तीन भाग अगर करेंगे तो फर्स्ट भाग, सेकेंड भाग एंड थर्ड भाग, तो अप्रोक्सीमेटली हम इसे इस लेवल तक भरेंगे, ये मिनिमम लेवल होता है और ये यहाँ तक हमारा मैक्सिमम लेवल होता है, इनके बीच में हम भरना होता है। देन बात करें हम आगे तो इट प्रिवेंट फ्रॉम डैमेज म्यूकोसा, जैसे मैंने पहले बात करी थी कि म्यूकोसा जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको डैमेज करने से बचाता है। देन मॉइस्ट द एयर विच इनटेक, जो हम एयर लेते हैं उसे मॉइस्ट करता है। देन यह जो दिखाई दे रहा है आपको, यह इक्विपमेंट है हमारा ऑक्सीजन फ्लोमीटर। फ्लोमीटर यानी इसमें कितनी ऑक्सीजन फ्लो होती है, नॉर्मली देखने जाए यहाँ पे मार्किंग 5 तक है, मीन्स जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर होता है वह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नॉर्मली 5 लीटर पर मिनट तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है, इसीलिए इसका फ्लो मीटर 5 तक है और इसके ऊपर थोड़ा सा होता है, बट ये 5 से 7 तक मानते हैं, 7 लीटर पर मिनट तक कई कई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अंदर जैसे कि ये बीच में ये जो डॉट दिख रहा है ये 2 नंबर पे, यह हमारा इंडिकेट करता है कि आप ऑक्सीजन कितनी दे रहे हो, यह हमें बताएगा कि आप ऑक्सीजन का फ्लो रेट कितना है। देन हमारा यूजफुल इक्विपमेंट आता है SpO2 प्रोब। SpO2 प्रोब का काम होता है कि मेजर करना है हमारा सेचुरेशन, कैपिलरी सेचुरेशन, यह मेजर करता है ऑक्सीजन का कैपिलरी के अंदर सेचुरेशन कितना होता है। इसमें 2 इंडिकेट दिख रहे हैं, ये 76 है वह हार्ट रेट है, पल्स है हमारे, एंड देन जो SpO2 है वह हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन है। कभी कभी पेशेंट हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई हमारा ऑक्सीजन बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, 76 चला गया, 70 चला गया, बट वह मोस्टली रेस्पिरेटरी होता है। तो ये दोनों वैल्यू आती है इसके अंदर, ये हमें ध्यान रखना है और इसी के अनुसार हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी होती है। अगर 99 है
तो कितनी ऑक्सीजन देनी है, और अगर कम है 90 के आसपास है तो हमें फ्लोराइड इसमें बढ़ाना होता है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। देन आगे बात करते हैं यह हाई फ्लो नेजल कैनूला। यह बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा अभी तक, और एग्जाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आईसीयू या ओटी में अगर आप काम कर रहे हो तो इसका हमें नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि यह नॉर्मली वार्ड्स में या ऐसे ऑर्डिनरी यूज नहीं होता है, यह मोस्ट कॉमनली यूज होता है ओटी या आईसीयू में। आईसीयू में सबसे ज़्यादा यूज होता है, बाईपैप सीपैप के साथ में भी कभी कभी इसको यूज किया जाता है, तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है ये है क्या, हाई फ्लो नेजल कैनूला, जैसे कि यहाँ पे दो डॉट दिख रहे हैं, दो नेजल प्रोंग है, ये सेम है तो नेजल प्रोंग ही है, बट ये हाई फ्लो होने की वजह से इसकी ट्यूब मोटी होती है और ये दोनों एक एक नोज में जाते हैं, ये थोड़े लॉन्ग्स होते हैं एक्चुअली, बट यहाँ पे इन शॉर्ट इंडिकेट किए गए, इसमें दिखाई दे रहा है थोड़े लॉन्ग से एज कम्पेयर टू नेजल प्रोंग, नेजल प्रोंग से लॉन्ग होते हैं। इसका मेजर बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि हीटिंग एंड ह्यूमिडिफाइड कम्स फ्रॉम द ऑप्टिमल फ्लो, एंड ऑप्टिमल फ्लो हमें प्रोवाइड होता है नेजल कैनुला, नेजल कैनुला या नेजल प्रोंग जो होता है उससे हमें ऑप्टिमम एयर नहीं मिल, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, उसके यह रिप्लेसमेंट देता है हमें। दूसरा होता है फ्लोराइड है हम वो 2 लीटर पर मिनट से लगा के 60 लीटर पर मिनट तक सेट कर सकते हैं, यह इसका मेन बेनिफिट है, इसके वजह से इसको यूज किया जाता है। पीडेटिक में यूज करेंगे तो 2 लीटर पर मिनट पर केजी पर मिनट के हिसाब से प्रोवाइड कराते हैं, और एडल्ट में 60 लीटर पर मिनट तक हम ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं। देन इसका इंडिकेट होता है मोस्टली कम्युनिटी एक्वायर्ड न्यूमोनिया में यूज किया जाता है, प्री एक्सट्यूबेशन एंड सॉरी पोस्ट एक्सट्यूबेशन एंड प्री ऑक्सीजनेशन प्रायर टू इंट्यूबेशन, यानी हाई ऑक्सीजन जब भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एम्बुपेक के थ्रू हाई ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं बिफोर इंट्यूबेशन, सेम एज हम इसके थ्रू हाई फ्लो प्रो ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में कभी भी कहीं भी यह क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, कोई भी इमेज इस तरह का दिखा देते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर केस में यूज होने वाला इक्विपमेंट है, ठीक है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। अकॉर्डिंग टू एग्जाम बोर्ड कभी कभी HFNC के HFNC हाई फ्लो नेजल कैनुला भी के नाम से भी जानते हैं, तो आईसीयू में डॉक्टर होते हैं वो नर्सिंग ऑफिसर जो रिसेंटली ज्वाइन करते हैं उन्हें हाई फ्लो नेजल कैनुला लाओ तब हमें पता नहीं होता है। अब नेक्स्ट आता है नेजल प्रोंग्स। नेजल प्रोंग्स का यूज क्या है, नेजल प्रोंग्स नॉर्मली इसे किस तरह से यूज करते हैं, तो इसको टाइटली फिक्स्ड करना होता है, जैसे कि ये दो नेजल प्रोंग्स हैं जो यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह सेपरेटली इच नोस्ट्रिल्स में होना चाहिए, हर एक नोस्ट्रिल में अलग अलग होना चाहिए, दोनों नेजल प्रोंग्स से एक में या फिर एक बाहर एक एक नोज में, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इट शुड बी टाइटली फिक्स्ड या प्रॉपर फिक्स होना चाहिए। देन नेक्स्ट होता है जब नेजल प्रोंग्स हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं तो मोस्टली पेशेंट को एटलीस्ट 30 डिग्री बेड पे एलिवेटेड होना चाहिए 30 डिग्री, ताकि अच्छे से रेस्पिरेशन हो सके। देन नेजल कैनुला से हम कितना फ्लोराइड दे सकते हैं, 1 से 4 लीटर पर मिनट, किसी किसी बुक में 1 से 6 लीटर भी दिया हुआ है, और जो इसका कंसेंट्रेशन होता है वो 22 to 44% तक हम प्रोवाइड करते हैं। देन कॉमनली किस यूज किस पेशेंट में, जिनमें हम ऑक्सीजन की कम मात्रा रखते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होता है COPD। सीओपीडी के रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, सीओपीडी का पेशेंट है उसको कितने लीटर पे ऑक्सीजन देंगे, एक तो ये होता है, तो 1 से 2 लीटर होता है नॉर्मली ऑक्सीजन देते हैं उसको, देन हम उसको किसके थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, उसमें कहीं कहीं ऑक्सीजन मास्क के साथ में 2 लीटर लिखा होगा या ऑक्सीजन नेजल प्रोंग के साथ में 2 लीटर लिखा होगा, तो वहां पे हम नेजल प्रोंग वाले ऑप्शन को चूज करेंगे। देन अस्थमा एंड मोबाइल पेशेंट्स, मींस कोई पेशेंट है मूवेबल है तो उसको हम नेजल प्रोंग यूज करेंगे। फेस मास्क है, जो फेस मास्क जो मूवेबल पेशेंट होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं जिनको कम फ्लोरेट में ऑक्सीजन चाहिए, ऐसे पेशेंट को हम फेस मास्क नहीं यूज कर सकते, यूज कर सकते हैं बट हमें नहीं करना चाहिए, उसके लिए हमें नेजल प्रोंग ही यूज करना चाहिए, क्योंकि यह फेस मास्क थोड़ा डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। देन इसकी बात करें इसके फ्लोरेट की, तो यह 8 से 10 लीटर पर मिनट तक ऑक्सीजन प्रोवाइड करा सकता है। देन यह मोस्ट कॉमनली यूज होता है स्पेशली इमरजेंसी कंडीशन में यूज होता है, जब पेशेंट सडन ऑक्सीजन सेचुरेशन फॉल हो रहा है या इमरजेंसी में कोई पेशेंट आया है, इसी कंडीशन में हम सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क का यूज करते हैं और इसे टाइटली फिक्स्ड होना चाहिए। देन बात करते हैं वेंचुरी मास्क। एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, अगर ऑक्सीजन
ट्यूबिंग के बारे में बात करें तो वेंचुरी मास्क है, वेंचुरी मास्क में से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम ध्यान से देखेंगे। जैसे कि यहाँ पे वेंचुरी मास्क है, मास्क तो ये ऑलमोस्ट ऑक्सीजन नॉर्मल जो मास्क होता है उसी तरह का होता है, बट यहाँ पे इसके एक कनेक्टर लगे होते हैं, यह डिफरेंट टाइप के कनेक्टर हैं। इन कनेक्टर को हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, देन यहाँ से हमारा जो ट्यूब होती है वो हमें कनेक्ट करते हैं। देन ये जो ट्यूब होती है, जो ऑक्सीजन हमारा सप्लाई होती है, वो हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, और ये डिफरेंट टाइप के फ्लो मीटर है। तो इनका ये कनेक्टर का यह पोर्शन, और इस यहाँ पे हम कनेक्टर का इस पोर्शन से कनेक्ट करेंगे। देन कौन सा कलर कब यूज करना है, इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म में BWOYRG समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्लैंक है, इसका कोई यूज नहीं होता है, ये जस्ट ब्लैंक है। देन सबसे पहला कलर आता है ब्लू। ब्लू कलर से हम 2 लीटर पर मिनट तक की ऑक्सीजन प्रोवाइड कर, चाहे ऑक्सीजन फ्लो मीटर में कितना भी होगा। तो जो ब्लू कलर का होता है, जो कि दिखाई दे रहा है, 24% हमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रोवाइड करता है। देन 2 लीटर पर मिनट, यानी 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन फ्लो कर प्रोवाइड करेगा। व्हाइट कलर, BW, W का मतलब होता है व्हाइट कलर, व्हाइट कलर होता है वो 4 लीटर पर मिनट होता है एंड 28% ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन प्रोवाइड करेगा। देन थर्ड वन है BWO, ओ मीन्स ऑरेंज होता है, ऑरेंज 6 लीटर पर मिनट। देन येलो, येलो होता है वो 8 लीटर पर मिनट, एंड रेड होता है वो 10 लीटर पर मिनट, एंड ग्रीन होता है वो 15 लीटर पर मिनट। इन्हें याद रखने का तरीका 2, 4, 6, 8, 10, 15। देन कंसेंट्रेशन होती है वो सबसे हाईएस्ट 60 लीटर प्रोवाइड कराता है ग्रीन, जैसे ग्रीन सिग्नल देते हैं उसी तरह सबसे हाईएस्ट ग्रीन होता है 60 लीटर। देन सबसे कम होता है ब्लू, 24, 28, 31, 35, 40, 60। 40, 60 मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं रेड एंड ग्रीन, एंड जो व्हाइट होता है, ब्लू होता है, वो मोस्टली COPD और ऐसे पेशेंट में होता है जहाँ ऑक्सीजन फ्लोरेट हमें कम देना होता है, एक्यूरेट देना होता है, कम देना होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम नॉर्मली ब्लू का यूज करते हैं, 2 लीटर पर मिनट डॉक्टर प्रोवाइड करा देते हैं। तो हमें ब्लू जो कनेक्टर है इसके थ्रू कनेक्ट करके हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट आता है जो ये दिखाई दे रहा है, नॉन रिब्रीथर मास्क। नॉन रिब्रीथर मास्क को हम दूसरा नाम भी देते हैं, हैंड सुन हुडसन मास्क, सॉरी हुडसन मास्क बोलेंगे नॉन रिब्रीथर मास्क। तो यह जो दो एरो से मैं दिखाई दे रहा हूँ, यह इस मास्क की खास पहचान होती है। नॉन रिब्रीथर यानी वापिस से रिब्रीथ नहीं कर पाएगा, जैसे आजकल हमारे N95 आ रहे हैं वेंट के साथ में, वेंट वाले जो N95 मास्क आ रहे हैं उसमें भी इस तरह का हमें एरो दिखाई देता है। तो इसका यूज करते हैं, ये इसमें वन वे वाल्व अप्लाई होता है। वन वे वाल्व क्या करता है, जो एनवायरमेंट से एयर आती है उसको वापिस नहीं आने देता है अंदर, बट अंदर की जो एयर है मास्क के अंदर जो हमारे एक्सपिरेशन की एयर होती है उसे हम उसे बाहर निकलने देता है, इसीलिए हम इसे नॉन रीब्रीथर मास्क कहते हैं, रीब्रीथ नहीं करने देता है। देन इस बैग का कैपेसिटी होती है, जो ये बैग लगा होता है यह 1 लीटर अप्रोक्सीमेटली कैपेसिटी होती है। जब इंस्पिरेशन करते हैं इसमें से लगभग 1/3 भाग एयर इंस्पायर करते हैं, एंड देन ड्यूरिंग एक्सपिरेशन हमारे यहाँ से जो ऑक्सीजन फ्लो होता है वो इसे वापस से फिल कर देता है। देन इसमें से जो ऑक्सीजन का फ्लो लीटर होता है वो 12 से 15 लीटर पर मिनट होता है। अगर इतना फुल नहीं होगा तो इस बैग के अंदर एयर फिल नहीं होगी, और थोड़ा प्रेशर के थ्रू ऑक्सीजन आता है, और इसकी कंसेंट्रेशन 80 to 100% होती है। और इसको मोस्टली स्मोक इनहेलेशन में और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में एंड सीवियर हाइपोक्सिया एंड क्रॉनिक एयरवे, एक एग्जाम में क्वेश्चन भी बना था कि कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में कौन से मास्क से हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, तो उसे उसका आंसर आएगा नॉन रिब्रीथर मास्क। हुडसन मास्क भी ऑप्शन में कहीं गलती से आ सकता है तो इसका भी ध्यान रखना होगा हमें। देन होता है पार्शियल रिब्रीथर मास्क, जैसे कि इसमें दिख रहा है कि ये कम्प्लीटली वाइट ब्लॉक कलर का मास्क होता है जो केवल एक्सपिरेशन के दौरान बंद होता है, और सॉरी एक्सपिरेशन के दौरान खुलता है, इंस्पिरेशन के दौरान बंद होता है। इसमें यह अलग तरह का वाल्व दिख रहा है, यह पार्शियल रिब्रीथर मास्क है, नॉट अ कम्प्लीट। हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन कैन बी डिलीवर, इससे भी हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन दे सकते हैं हम। इसमें टू वे वाल्व होता है, जैसे कि उसमें वन वे था इसीलिए पार्शियल बोला है ताकि टू वे वाल्व होता है। इसका फ्लो रेट होता है 5 से 15 लीटर पर मिनट, उससे थोड़ा कम होता है क्योंकि हम एनवायरमेंट एयर भी थोड़ी बहुत इंस्पायर करते हैं, और इसमें ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन भी कम हो जाएगी 40 to 70। देन इसके इंडिकेशन देखने जाए तो हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी डिजीज, कार्डियक डिजीज, स्मोक एंड सीजर्स में इसको यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पटेल नर्सिंग अकेडमी।
हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।